हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष सेंजी और स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री रिएक्शन बनाना और उन्हें बैलेंस करना सीखेंगे, वो भी खेल खेल में। दोस्तों पहले हम सीख लेते हैं। दोस्तों इसमें लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करो। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए एन लेंगे और हाइड्रोक्साइड का सूत्र था OH। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, उसका सूत्र होता है HCl। सही है। और दोस्तों इनके मिलाने पर क्या बनता है? दोस्तों इनके मिलाने पर बनता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक, और बनता है H2O, यानी कि जल। अब दोस्तों अगर आपको पता नहीं तो आप हिंट भी ले सकते हैं। दोस्तों इसमें हम सबमिट कर देते हैं। दोस्तों अभी हम हमसे पूछेगा कि ये इक्वेशन जो ये बैलेंस है या नहीं। तो दोस्तों देखने से पता चल रहा है कि ये इक्वेशन बैलेंस है। दोस्तों ये सही तरह लिए है। चलो अब दोस्तों हम अगले सवाल को पढ़ते हैं। अगले सवाल में लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करो। तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र था CaO। दोस्तों ये सी कार्बन का है, ये गलत है, इसलिए हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल, तो बनेगा CaOH। ये दोनों ही दो है। अब दोस्तों हम इसे सबमिट कर देते हैं। दोस्तों क्या ये इक्वेशन सही है? हाँ दोस्तों, ये इक्वेशन भी बैलेंस ही है। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं। मेक ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंस रिएक्शन हैपेंस व्हेन। अच्छा, ये कह रहा है कार्बन को ऑक्सीजन में जलाओ। तो दोस्तों इससे सिंपल है, CO2 बनेगा, तो CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब दोस्तों ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, नो, इसलिए हम इसे बैलेंस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे CO है और यहाँ पे C है, यहाँ पे O के दो अणु हैं, यहाँ पे सिर्फ एक है, तो हम इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे दो हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन दोस्तों अब हमारा C डिसबैलेंस हो गया, तो हम यहाँ पे C को भी दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये इक्वेशन दो से यहाँ पे सब बराबर हो गए, हम इसे हम सबमिट कर देते हैं। अब दोस्तों हम अगली इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। एनिमिलियम एंड फेरिक ऑक्साइड। देखो एनिमिलियम का सूत्र होता है Al और फेरिक ऑक्साइड का होता है Fe2O3। Fe2O3, अब इन्हें जलाएंगे तो क्या बनता है? दोस्तों ये तो मुझे भी पता नहीं, इसलिए मैं हिंट लूँगा। अच्छा दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड और एनिमोनियम बनता है, एनिमोनियम ऑक्साइड। तो ये लगाते हैं Fe। अच्छा Al2O3। दोस्तों क्या इक्वेशन सेम है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एनिमोनियम जो है वो डिसबैलेंस है, नो। चलिए दोस्तों इसे हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे एनिमोनियम दो है, मगर यहाँ पे एनिमोनियम एक ही है, तो हम इसे बैलेंस करेंगे। इसे हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे दो हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन डिसबैलेंस नहीं, Fe भी टू है, ये भी टू है। यहाँ पे Fe यानी लोहा जो है वो डिसबैलेंस है, इसलिए अब इसे भी दो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो यहाँ पे O3 है, यहाँ पे भी O3 है, दोस्तों आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियो बना सकते हैं, ऐसे ही अमेजिंग
ऐसे अमेजिंग रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं और बना सकते हैं। ये मैंने रिपोर्शन वीडियो नहीं बनाई थी, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई थी। दोस्तों अब मैं आपको इस ऐप का नाम बताने वाला हूं, जिससे आप खेल खेल में रासायनिक समीकरण बना सकते हैं और इन्हें बैलेंस भी करना सीख सकते हैं। अरे दोस्तों प्ले स्टोर पर चलते हैं। दोस्तों इस ऐप का नाम है केमिस्ट्री EQ गेम। दोस्तों ये है वो गेम, इसे आप प्ले स्टोर पर ये चीज सर्च कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और आप भी ऐसे ही खेल खेल में रसायन से वगैरह बना सकते हैं और उन्हें सीख सकते हैं। ये थोड़े रिव्यू है और दोस्तों इसे 4.4 रेटिंग मिली है और कई लोगों ने इसे अच्छी रेटिंग दी है। आप भी इसे यहीं से डाउनलोड कर लिए और रसायन समीकरण सीखिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर हम मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और दोस्तों वीडियो को कम वीडियो में आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को वीडियो में कमेंट करें।